हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे काढ़ा, जिसे पीने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है और सर्दी खांसी भी ठीक होती है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अब इसमें हम 10 से 11 काली मिर्च डालेंगे, 4 से 5 लौंग डालेंगे, 4 इलायची डालेंगे, दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा कूट लेंगे। मैंने इसे कूट लिया है। अब इसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अब इसे हम कूट लेंगे। मैंने इसे पहले नहीं कूटा है क्योंकि अदरक में पानी होता है। तो मैंने इसे कूट लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने एक बर्तन को पहले से गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हम 4 कप पानी डालेंगे। मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसे हम गर्म होने देंगे। तो अब पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कुटे हुए मसाले डाल देंगे। 2 तेज पत्ता डाल देंगे, 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। इससे काढ़ा का टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम तुलसी पत्ता डालेंगे, जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे हम मिला लेंगे। अब हम फ्लेम को लो से मीडियम के बीच रखेंगे और पानी को उबलते हुए आधा होने देंगे। अब पानी आधा हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब इसे हम छन्नी के मदद से दोनों कप में छान लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच हनी डालेंगे। आप हनी के जगह 1/2 चम्मच घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी और हनी एक साथ ना डालें। अब इसे हम मिला लेंगे। मैंने इसे मिला लिया है। तो अब काढ़ा बनके तैयार है। इसे थोड़ा गर्म ही पीना है, पूरा ठंडा नहीं पीना है। इसे पीने से सर्दी खांसी जुकाम सब ठीक होता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आप भी इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।